नमस्कार, 10 बड़ी खबरों के साथ मैं प्रतीक्षा पांडे हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में देखिए। आपातकाल के 43वीं बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संविधान को कुचलने वाले आज लोगों को दिखा रहे हैं मोदी का डर। कर्नाटक में भले ही कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन लगता है कि सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। पहले कुमारस्वामी कह चुके हैं कि वो कांग्रेस की दया से मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि वो किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने उन्हें सीएम की कुर्सी दान में दी हो। शैलजा द्विवेदी की हत्या के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मेजर हांडा फेक प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9 इंच बारिश हुई है तो गुजरात के वलसाड में 25 इंच बारिश दर्ज की गई है। मुंबई में आज सुबह से ही बारिश तेज है और हाईटाइड का खतरा भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद छठवीं बार अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने संतों के तीखे सवालों का सामना किया। संतों ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर मेयर तक बीजेपी का है, आखिर कब बनेगा राम मंदिर। इस पर सीएम योगी ने उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाया और कहा कि मंदिर जरूर बनेगा, लेकिन मर्यादा में रहकर ही मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनाया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण शौरी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। शौरी ने कहा कि सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच दूरी पैदा करके राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तन्वी सेठ के पासपोर्ट की जांच करने के लिए लखनऊ पहुंची पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि यहां उनके रहने से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं। कोई साक्ष्य न मिलने से तन्वी का पासपोर्ट अटक सकता है। 26 जून को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के 43 साल पूरे हो गए हैं। आज बीजेपी इस दिन को काले दिवस के तौर पर मना रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर लगातार 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने उन लोगों को सलाम किया जिन्होंने उस दौरान हिम्मत दिखाई थी। यात्रियों की बढ़ी वेटिंग लिस्ट और भारी भीड़ के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की कोशिश में है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने बताया कि प्रतीक्षा सूची की यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन 3 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाएगा। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का साया मंडरा रहा है, इसके मद्देनजर सेना सतर्क है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। एनएसजी के कमांडोज इस यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हम इसी तरीके से आपके सामने तमाम बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।